बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब कैसे से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा यूट्यूब चैनल काशिफ सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। जी नए आने वाले दोस्त, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मजीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके, शुक्रिया। तो जी दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, सुजुकी GS 150 की छोटी गाड़ी की सील। आज हम आपको चेंज करने का तरीका बताएँगे। आप दोस्त अगर गौर से देखेंगे तो इसकी ये गाड़ी के पीछे आपको ये फ्रेश ऑयल नज़र आ रहा होगा। तो इसका ये मतलब है कि इसकी ये छोटी गाड़ी की सील जो है वो लीक है। आज मैं आपको ये गाड़ी की सील चेंज करने का तरीका बताऊंगा और इस सील का नंबर भी आज मैं आपको बताऊंगा कि ये सील आपको मार्केट से क्या नंबर बताएँगे तो ये सील मिल जाएगी। इस सील का नंबर है 2746। जी दोस्तों, 2746 सील का नंबर है। तो नॉर्मली ये सील जो है बहुत कम ख़राब होती है। अगर ये सील जब ख़राब होती है तो पहले तो हमें यही नहीं अंदाज़ा होता कि इसका ये ऑयल आग कहाँ से रहा है। तो इसकी दो तरह से कहें कि इसकी एक गेट लीवर की सील आपकी इस जगह पर होती है। अगर आप अपने चैन को फ्रेश ऑयल लगवाते हैं तो वो ऑयल भी इसका नीचे इसी जगह से आता है। लेकिन जैसा कि आपको मैंने पहले भी दिखाया है कि आप ये अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको इस गाड़ी के नीचे से फ्रेश ऑयल आता हुआ नज़र आएगा। ये ना ही चैन का ऑयल है, ना ही ये गियर लीवर का ऑयल है, ये आपकी इस सील का इस बाइक की सील का ऑयल है। तो इस सील को चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी छोटी गाड़ी को खोलना पड़ना है। इसको 27 नंबर की गोटी से इस गाड़ी को हम खोलेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसकी ऑयल ये कैसे लीक है। तो जी दोस्तों, सबसे पहले तो आप इसका ये लॉक खोलें, गाड़ी का इस लॉक को आप खोलेंगे तो आपकी ये कहेंगे नट की जगह जो है वो क्लियर हो गई और इस जगह पर आपकी 27 नंबर की गोटी का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये सील इसकी छोटी गाड़ी नहीं खुलती। तो जी दोस्तों, ये टोमी राड की मदद से हम इसकी ये पहले छोटी गाड़ी खोलेंगे। बाज़ दफ़ा ये गाड़ियाँ जो हैं काफ़ी टाइट खुलती हैं, तो आप गाड़ी को गियर में डाल लें और इसकी ब्रेक को दबा लें। तो जी दोस्तों, बाज़ दफ़ा ये गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा टाइट होती है, तो आप इस तरीके से इसकी ये गाड़ी खोल सकते हैं। ये देखें दोस्तों, इस तरीके से ज़रा इसको फोर्स अच्छे तरीके से लग जाती है, तो इसकी मदद से आप ये गाड़ी को खोल सकते हैं। अब इसकी ये छोटी गाड़ी खुलती है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके ये जो गाड़ी है उसके ऊपर से ऑयल ये इसका लीक हो रहा है। तो एक पेचकस की मदद से आप सबसे पहले तो इसका ये लॉक उतार लें। इसके ऊपर ये लॉक होता है जो इस गाड़ी को रोक के रखता है। तो जी दोस्तों, अब ये हमारी गाड़ी जो है खुल चुकी हुई है। तो आप अगर गौर करेंगे तो इस सील के पीछे से आपको ये ऑयल नज़र आ रहा है। तो इसको सील को खोलने के लिए 10 नंबर की टी का आपके पास होना ज़रूरी है। 10 नंबर की टी से आप इसकी ये पेच खोलें तो आपको मैं फिर इसकी सील भी निकालने का तरीका बताता हूँ। बहुत ही आसान तरीका होता है सील को डालने का। और कोशिश करें कि आप इसको अच्छी तरह वॉश कर लें। वॉश करने के बाद ये अभी मैंने इसलिए वॉश नहीं किया हुआ कि पता चल सके कि ऑयल ये कहाँ से लीक हो रहा है। इसकी सील डालने के बाद मैं इस जगह को वॉश करूँगा और फिट करूँगा। तो जी दोस्तों, 10 नंबर की टी से आप इसकी ये पतरी खोल लें और ये पतरी के पीछे आपकी जो है सील होती है और सील के अलावा इसकी एक ये डबल होती है। आप इसको निकाल लें बाहर तो आपकी सील जो है इजीली बाहर आ जाएगी। कपड़े की मदद से आप इसको बाहर निकाल लें। तो जी दोस्तों, एक पेचकस की मदद से आप इस सील को बाहर निकाल लें और इस सील को आप बाहर निकालने के बाद नॉर्मली इसकी ये कह लेंगे कि ये डबल सी होती है, ये बाहर आ जाती है। लेकिन इनकी ये प्रॉब्लम है कि ये इस डबल ने जो है ना इस वक्त कह लेंगे चक भरा हुआ है, या इसी वजह से ये हमारी गाड़ी थोड़ी टाइट खुली थी। तो आपको ये सील हम पुरानी भी दिखाते हैं और नई सील भी दिखाते हैं। इसको आप कपड़े से अच्छी तरह साफ़ कर लें। अगर आपके पास पेट्रोल अवेल हो तो आप इसको पेट्रोल से अच्छी तरह वॉश कर लें। ये देखें दोस्तों, अब ये हमारी ये डबल जो है बाहर आ चुकी है। कट दरा बा। तो जी दोस्तों, अब ये हमारी डबल इस जगह से उतरी हुई है, तो ये डबल आपकी इजीली बाहर आ जाएगी। तो इसके बाद हम इस जगह को अच्छी तरह साफ़ करेंगे और नई सील लगा देंगे।
जी दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि इस सील का नंबर है जी 2746, इस सील का नंबर है। तो ये सील आपकी छोटी गरारी की, ये पीछे शाफ्ट की सील होती है, तो इस सील को आप इसके ऊपर रखें और ये बड़े ही प्यार से, ये सील आपके हाथ से ही लग जाती है क्योंकि इसमें स्पेस काफ़ी होता है, तो आप इसको हाथ की मदद से ही लगा सकते हैं। तो अब ये सील हमारी लग चुकी हुई है, तो आप इसके बाद सबसे पहले इसकी बीच वाली डबल को रखें, ठीक है, इसके बीच वाली आप डबल को अच्छी तरह साफ़ कर लें और इस डबल को रखें। चलो दोस्तों, ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ज़रा बहुत ही कम इन गाड़ियों में काम निकलता है। अगर ये काम निकले ना तो आप कहने के कस्टमर को अंदाज़ा ही नहीं होता कि ऑयल ये कहाँ से लीक हो रहा है उसकी बाइक का। तो जी दोस्तों, अब ये हमारी जो है सील लग चुकी हुई है, तो इसके बाद अगर आपके पास पेट्रोल हो तो आप इस जगह को वॉश कर लें और इसकी छोटी गाड़ी को लगा लें। तो अब हम आपको इसकी गाड़ी लगा के दिखाते हैं। तो इसको सील को लगाने के बाद आप इसकी इस पत्थर को भी लगा लें। तो जी दोस्तों, इसके बाद जब हम ये छोटी गाड़ी लगाएंगे तो इस गाड़ी को लगाने के बाद आपको इसके चैन की थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है, चैन को लूज़ करना पड़ता है, तो फिर ये इसकी गाड़ी लगती है। तो उसके लिए आप हम इसका चैन लूज़ करेंगे। तो जी, अब ये हमारी गाड़ी जो है लग चुकी हुई है, तो अब इस गाड़ी को लगाने के बाद इसकी पत्तियां हम लगाएंगे और इसका नट कसेंगे। तो जी दोस्तों, जिस तरीके से आपने ये गाड़ी खोली थी आप उसी तरीके से इस गाड़ी को फिट करें, और इसके बाद ये हमारी अब सील लग चुकी हुई है। तो जी दोस्तों, इस गाड़ी को टाइट करने के बाद आप इसके इस लॉक को भी लाजमी बिठाएं, जो पेचकस की मदद से आपने ये लॉक खोला था। जैसा कि आज मैंने आपको बताया भी है और बल्कि दिखाया भी है कि आप इसकी छोटी GS सुजुकी GS 150 की छोटी गाड़ी की सील कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी मजीद आने वाली वीडियो अब तक पहुँच सके। बाइक को दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फी अमानिल्लाह।